भैया बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, इतना परेशानी कहने की बात है खत्म। कितने सालों से ये सर? ये भैया कम से कम 10 सालों से है। उत्तर प्रदेश के युवा की ताकत आप समझ सकते हैं कि सरकार को बनाने में और गिराने में बहुत बड़ी ताकत होती है हमारे युवाओं की। आज युवा से कार वाला रिपोर्टर ये जरूर पूछेगा कि आपकी सड़क के क्या हालचाल हैं, क्या कहना है? बिल्कुल भी हालचाल ठीक नहीं है। ये आज करीब 10 साल से रास्ता ऐसे ही पड़ा हुआ है, रिपेयरिंग हो जाती है, गड्ढे खुद जाते हैं, कभी इसकी गड्ढे बंद नहीं हुए हैं। और चलने में बारिश में बहुत बड़ी समस्या है, कितने न जाने एक्सीडेंट हो चुके हैं, गिर जाते हैं आदमी, चोट लग जाती है, सर फूट जाता है कहीं का, और ऐसे ही गिर जाते हैं क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बस हमारा यही कहना है आपसे। इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आपने बताया 10 साल से ये सड़क ख़राब है, कौन जिम्मेदार है, आपके विधायक या जनता? जनता सर क्यों जिम्मेदार है, जनता तो प्रतिनिधित्व करती है, बनाती है, विधायक और सरकार जाने भाई उसी का काम है। कभी आपके विधायक आए यहाँ पे ठीक कराने के लिए? कभी मिले आप लोगों से? कभी बातचीत करी इस मुद्दे पे? सर मैं तो फील्ड वर्कर हूँ, मैं तो यहाँ आता हूँ। विधायक बल्कि जो विधायक यहाँ के हैं वो भी हमारे भी विधायक, अब यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं। विधायक का नाम भी ले लीजिए। अरे हमारे यहाँ विधायक पंकज गुप्ता जी हैं, कई बार जीत चुके हैं। हाँ अब तक तीसरी बार है उनका। तो फिर भी ये हालत क्यों? अब ये सरफो जाने हम क्यों क्या बताएं आपको, जनता तो भाई उनका प्रतिनिधित्व करती, उनको चुनती है, पसंद करती, तीसरी बार उनको विधायक बनाया है, अब ये उनका काम है जनता का ध्यान दें। आते तो होंगे, आते क्यों नहीं, पड़ोस में ही उनका है सब, पड़ोस में ही है, बिल्कुल है सब कुछ, फिर भी ये हालत है। विधायक साहब से क्या कहना चाहते हैं युवा और जनता होने के नाते और वोटर होने के नाते? अरे विधायक जी से यही कहना चाहते हैं कि सम्मान के साथ आपको जनता विजयी करती है और उनका काम कर दीजिए सम्मान के साथ, अच्छे से रोड बनवा दीजिए, यही कहना है। बहुत बड़ी बात भैया तो इन युवा ने कही है कि बड़े इज्जत और बड़े सम्मान के साथ युवा और महिलाएं और बुजुर्ग, ये उन्नाव की जनता इन्हें जिताती है। विधायक साहब पंकज गुप्ता जी बड़े रिस्पेक्ट के साथ ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कई बार आपको जनता ने जिताया है, लेकिन कब आप इस रोड की सुनवाई करेंगे, कब ये रोड ठीक होगा? ये सवाल है युवा के, आपकी जनता के और कार वाले रिपोर्टर के। तो आपने ग्राउंड जीरो की हकीकत देखी, कार वाला रिपोर्टर आपके इलाके में मौजूद है और हम लगातार जनहित के मुद्दे और जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। ये समस्या गंभीर है क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, चाहे साइकिल वाले हों, रिक्शे वाले हों, कार वाले हों, बाइक वाले हों, हर किसी ने ये समस्या बताई है कि रोड बहुत ख़राब है और यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत हुए हैं। कार वाला रिपोर्टर, जनता की आवाज़ हम लगातार उठाते रहेंगे और आपके हर इलाके में हम पहुँचेंगे और आपकी समस्या को हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक फैमिली, एक परिवार कार से ये जा रहे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ पे। कितनी तकलीफ इनको होती होगी इस सड़क पे चल करके, अब तकलीफ होती है नहीं होती है ये तो यही बताएंगे। भाई साहब क्या कहना है? भैया बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, इतना परेशानी कहने की बात है खत्म। कितने सालों से ये भैया? कम से कम 10 सालों से है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार, कोई ध्यान नहीं दे रहा। विधायक के बारे में क्या राय है? अरे विधायक तो ध्यान नहीं दे रहे भैया, ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे विधायक साहब? तीन विधायकों का आवागमन है इस रोड से। तीन विधायक हैं आवागमन में, तीन विधायक इससे जुड़े हुए हैं, पूर्वा विधानसभा, भगवंत नगर विधानसभा, उन्नाव सदर विधानसभा, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा। कोई भैया नहीं ध्यान दे रहा। क्या क्या नुकसान हो रहा है इससे? अरे सब बच्चे गिर जा रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे छोटे छोटे सब गिर पड़ रहे हैं। आप यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाइए, कम से कम 2-2 फुट पानी भरा हुआ रोड पे देख लीजिए, जगहों के अंदर जाके मेन रोड पे ये हाल है।